हेलो ऑल, स्वागत है नए ब्लॉग में। हमारे क्लासों के दोनों दिन खत्म हो चुके, मतलब स्कॉटलैंड की हमारी ट्रिप यहीं पे एंड होती है। एंड अब हम लोग चलेंगे लिवरपूल। यहां से हमारी ट्रेन है ग्लासगो से लिवरपूल के लिए। सबसे अच्छी बात है यहां से अगर ट्रेन लेते हैं तो, क्योंकि सीनरी भी मिल जाएगी, बहुत सारे आपको व्यूज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी जैसे विंटर का टाइम है तो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का जो सनराइज होता है वो 8:30-9 तक होगा। तब तक सब अंधेरा ही रहता है तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अभी चेकआउट करने का टाइम हो चुका है, 8:05। चेकआउट अपना हो चुका है एंड अब निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। यहाँ से वही मॉर्निंग का टाइम, पूरा अंधेरा है, कोई नहीं दिखता है रास्ते पे। एंड इस बार हम लोग जाने वाले हैं ग्लासगो के मेन रेलवे स्टेशन पे, मतलब उसके सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे। जो पहले गए थे वो था क्वीन स्ट्रीट रेलवे स्टेशन, जो छोटा सा था। एंड इस बार उसका मेन स्टेशन देखेंगे, शायद वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। वैसे यहाँ पे हमें ट्रैवल करना था यहाँ के अंडरग्राउंड में, ट्यूब में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, जो रिंग शेप में है प्रॉपर, लेकिन वो हो नहीं पाया। ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम देखेंगे आएंगे तो अगर आप आते हैं तो ज़रूर उसमें घूमना। गुड, ऐसे ही होना चाहिए। वर्कआउट करने का फ़ायदा दिख रहा है, ये स्टेशन थोड़ा बड़ा है उससे एंड अच्छा भी है। ऑनलाइन टिकट बुक की थी एंड इसकी हार्ड कॉपी चाहिए हमें, क्योंकि इसमें QR कोड है नहीं। तो ऐसी मशीन्स होती है जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं एंड प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे टिकट्स आ जाएंगे, आ चुके हैं अपने चढ़ने के टिकट ग्लासगो से लिवरपूल स्टेशन। नहीं, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं इसमें, अवंती में। यहाँ की सारी ट्रेन अच्छी है वैसे, कोई भी ऐसे बकवास ट्रेन नहीं है। दबा वहाँ पे, हाँ चलो आगे चलो, नहीं तो आगे आगे चलो तुम थोड़ा सा। तो ये है क्या? अच्छा ये तो इधर का है, ओ अच्छा डाल दो यहीं पे। ये ट्रेन कुछ ऐसी है, सीट्स इतनी कुछ खास है नहीं। ब्रेकफास्ट शायद यहीं पे ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे ज़्यादातर ट्रेन्स में ऐसे QR कोड होते हैं, स्कैन करना है एंड देन यहाँ से ऑर्डर करना है। लेकिन अभी तक शायद इनका टाइम नहीं हुआ है तो अवेलेबल है नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा, यहाँ पे विंटर चल रहा है, हर जगह बारिश हो रही है। ये प्रिस्टन में भी आए एंड यहाँ पे भी बहुत बारिश है, शायद लिवरपूल में भी बारिश होगी ही। तो हमारा दिन शायद इसी में जाएगा, बारिश बारिश बारिश। ये ट्रेन वैसे छोटी है बट ठीक है, यहाँ की ट्रेन वैसे अच्छी होती है, सीट्स अच्छी है, कंफर्ट अच्छा है एंड जगह बहुत ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे बैग्स रखने के लिए है नहीं कुछ भी, क्योंकि ये छोटी है। तो बैग आप कहीं भी रख सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके सीट के साइड में भी रख सकते हैं क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। पहुंच चुके हैं लिवरपूल लाइम स्ट्रीट एंड यहां से निकलते हैं हमारे होटल, जो कि यहां से करीबन 0.8 माइल है। यहां से एक्चुअली ट्रेन भी है लेकिन वो 15 से 20 मिनट लेती है, बहुत रुक रुक के चलती है, उसको 5 से 10 मिनट और टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा सोचा हमने पैदल ही चला जाए, टाइम हो चुका है 10:30, तो आराम से चलते हैं, देख देख के चलेंगे। अगर बीच में कहीं खाने का मिलता है कुछ अच्छा ऑप्शन तो खाएंगे, नहीं तो फिर डायरेक्टली होटल में बैग्स रखेंगे एंड वहीं से चलेंगे फिर आज के हमारे टूरिस्ट अट्रैक्शन विजिट करने के लिए। रेडियो सिटी 96.7 का ये ऑफिस, पहुंच गए होटल, कुछ 11:30 हो रहे हैं। चेक इन करने देते हैं तो रूम में ही बैग रखेंगे, फ्रेश हो जाएंगे एंड उसके बाद निकलेंगे, नहीं तो फिर बैग यहाँ पे रख के हम लोग सीधा निकल जाएंगे घूमने के लिए। बाहर तो बारिश हो रही है वैसे भी, इनका क्रिसमस का डेकोरेशन अच्छा है, सांता की आँखों पे कैप चढ़ा दी, सांता को कुछ दिख नहीं रहा है अभी, दुनिया में क्या हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता सांता को। अच्छा
अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी हमने रिक्वेस्ट की अभी कि हमें डॉक व्यू या तो फिर रिवर व्यू फेसिंग रूम दीजिए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एंड हमें दे दिया है। 4 फ्लोर की है ये बिल्डिंग एंड उसमें हमें 1st फ्लोर की दे दी है रूम जो अवेलेबल थी वो रिवर व्यू फेसिंग में। देखते हैं अभी उसका व्यू कैसा है। ये बात अभी समझ में आ गई है मुझे कि अगर शायद हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ना तो वो लोग रूम दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। कि पहले मुझे लगता था कि वो लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये आपकी रूम है एंड आपको दे देते हैं, तो उसके बाद वो चेंज नहीं होता है, लेकिन ये चेंज होता है। देखते हैं यहाँ से व्यू कैसा है। कुछ ऐसा व्यू है। यहाँ पे तो हाईवे है एंड उसके साइड में अल्बर्ट डॉक है, वहाँ पे पानी है। हमें लग रहा था प्रॉपर व्यू मिलेगा लेकिन वैसा है नहीं। उस साइड में पार्किंग देखने से अच्छा है कि हमें कम से कम ये हाईवे एंड उसके बाद जो अल्बर्ट डॉक एंड ये जायंट व्हील है उसका तो भी व्यू मिल रहा है। थोड़ा देर रेस्ट करेंगे हम लोग, फ्रेश हो जाते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं बाहर घूमने के लिए। तब तक शायद बारिश भी कम हो जाए एंड देखते हैं लिवरपूल कैसा है। कुछ ज़्यादा ही आराम हो गया। हमने सोचा था कि 12-12:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन बात वही होती है अगर आपको जल्दी रूम मिल जाती है एंड चेक इन कर लेते हैं ना तो ऐसे ही टाइम पास शुरू हो जाता है। फिर भी कोई बात नहीं है। तो यहाँ से पहले हम लोग जाएंगे कैथेड्रल, जो कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा कैथेड्रल है लिवरपूल, तो पहले वहाँ जाएंगे एंड उसके बाद देखेंगे क्रिसमस मार्केट यहाँ का, अल्बर्ट डॉक एंड वो सब प्लान करेंगे आज एंड यहाँ का सिटी सेंटर भी। इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको हर जगह मिल जाती है यहाँ पे ज़्यादातर। स्कैन करो, पैसे पे करो और निकाल लो इसको यहाँ से और सिटी घूमो। भागो, ये लेने के बाद भागने की क्या जरूरत है। बहुत ही ज्यादा बड़ा ये कैथेड्रल। तो हम लोग पहुंच चुके हैं लिवरपूल कैथेड्रल, जिसकी एंट्री फ्री है, आप यहां पे कभी भी आ सकते हैं। लेकिन इसके जो ओपनिंग आवर्स है उसी के बीच में, इसके ओपनिंग आवर्स होते हैं मॉर्निंग 10 AM से 5 PM एंड समर में ये टाइम बदल जाएगा। जिस तरह से यहां का डे लाइट एडजस्ट हो जाता है वैसे ही ये लोग टाइम भी एडजस्ट कर लेंगे। इस साइड में पार्किंग भी मिल जाएगी आपको साइड में, तो कोई टेंशन नहीं रहेगा। बहुत ही बड़ा है यार ये तो, है ना। पोल देखो कितना लंबा है ये, इसका खंबा पिलर बोलो ना यार। हाँ पिलर, पोल, खंबा। एक आदमी खड़ा है, पता नहीं कौन है, कुछ लिखा नहीं है, कोई भगवान ही होगा शायद। ये बात हुई ना, दरवाजे बहुत पुराने हैं, ऐसा आवाज आना चाहिए दरवाजों का, ऐसा कुछ आवाज आता है तो मजा आता है। ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा कैथेड्रल है, दुनिया का 8वां बड़ा कैथेड्रल है ये एंड जो हम पहले गए थे सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन वाला, वो दूसरे नंबर पे आता है साइज के मामले में ब्रिटेन में। यहाँ की एंट्री फ्री है लेकिन आप डोनेशन दे सकते हैं, ऐसी जगह में डोनेशन देनी भी चाहिए वैसे आपने। एंड जो सेंट पॉल्स कैथेड्रल था उसका एंट्री फी शायद कुछ 26 पाउंड्स था, एक का 26 था, तो उससे अच्छा है कि आप यहाँ पे 2-3 पाउंड दे सकते हैं डोनेशन, जो आपको इतना बड़ा कैथेड्रल फ्री में दिखा रहे हैं। बाप रे बाप, उसमें पेंटिंग देखो ना यार कितनी मस्त है। कुछ ज्यादा ही बड़ा कैथेड्रल है यार ये तो, है ना। तू सोचो जो दुनिया में नंबर 1 कैथेड्रल है साइज में बड़ा, वो कितना बड़ा होगा पता नहीं। कुछ ही दिन पहले क्रिसमस हुए थे तो उन्होंने ये हट बनाई है जिस टाइम जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, लेकिन इस आदमी को देख के मुझे अमिताभ बच्चन की याद आ रही है। इसकी हाइट शायद 100 मीटर के करीबन है, मतलब सेंट पॉल्स कैथेड्रल से थोड़ी कम है इसकी हाइट, लेकिन ये साइज के मामले में सेंट पॉल्स से बहुत ज़्यादा बड़ा है।
कैथेड्रल की मुझे एक और बात अच्छी लगी कि जो मिनिस्टर जहाँ पे बैठते हैं ना चर्च के, ये सब साइड में वो जगह खुली है, तो मतलब आप आ सकते हैं। बात के कैथेड्रल में भी ऐसे ही दिया था, तो ये एक बात अच्छी होती है कि आप एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं इस चीज़ का भी। मुझे अभी तक ये नहीं पता था इस सिटिंग अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, इसको क्वायर बोलते हैं। यहाँ पे इनकी बुक्स रखने की जगह होती है यहाँ पे बैठने के लिए, एंड यहाँ पे आपको जो बुक्स पढ़ना है, प्रेयर पढ़नी है, तो वो बुक यहाँ पे होगा। कैथेड्रल के अंदर एक चिल्ड्रन चैपल है एंड एक लेडी चैपल है, एंड दिस वन इज लेडी चैपल। ये भी बहुत बड़ा है यार, बहुत ही अच्छा बनाया है ये। ये जो है ये है विस्परिंग आर्च, मतलब ऐसा कहना है कि अगर आप यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी। यहाँ से अगर बात करते हैं अपने पार्टनर को, वहाँ पे सुनाई देनी चाहिए। कुछ आ रही है क्या तुम्हें आवाज़? हेलो, माइक टेस्टिंग, आ रही है आवाज़ तुम्हें? क्या बात है, हाँ एकदम लाउड एंड क्लियर। हाँ मुझे भी लग रहा है कि यहीं पे है तुम बैठी हुई पास में ही, हाँ पीछे है करके। बहुत सही बना है ये तो, ये चीज़ बहुत सही बनाई है यहाँ पे, सच में आवाज़ सुनाई देती है। इस आदमी के पीछे बैठी है वो, एंड मुझे यहाँ पे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये शायद पूरा पत्थर का है एंड बस वहाँ पे बंधा हुआ है ये, एंड बीच में गैप है, पता नहीं कैसे इतना बांधा होगा इसको। एंड ये बहुत पुराना है, कुछ 100 साल पुराना है ये, अब उस टाइम उन्होंने कैसे बांधा होगा ये वही जाने। टावर एक्सपीरियंस भी है, मतलब उसके ऊपर जा सकते हैं आप, कैथेड्रल के ऊपर टॉप में जो स्पॉट है, जैसे हम लोग सेंट पॉल्स कैथेड्रल में गए थे वैसे यहाँ पे भी है, ये हमें पता नहीं था। तो हम लोग लेट हो चुके हैं इस चीज़ के लिए, अभी ये बंद हो चुका है कम्प्लीटली, तो अगर कल हमें टाइम मिलेगा तो ज़रूर आएंगे इस एक्सपीरियंस के लिए। लिवरपूल कैथेड्रल की विजिट हमारी कम्प्लीट हो चुकी है, बहुत बड़ा कैथेड्रल है। आप जब भी लिवरपूल में आएंगे ना तो इस कैथेड्रल को ज़रूर विजिट कीजिए, एंड इसका जो टावर एक्सपीरियंस है टॉप में जाने का वो भी लीजिए। टावर एक्सपीरियंस करना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। चाइना टाउन की सारी दुकान शायद बंद है, लगता है सारे चाइनीज घर जा चुके हैं। यहाँ पे ओमिक्रॉन के कारण सब चाइनीज शायद घर जा चुके हैं, तो सारे दुकान बंद है। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कुछ कुछ लाइट जो जलाई हुई है, मस्त लग रही है ये, शायद ये हमेशा रहता है इनका। एंड इनका ये एंट्रेंस गेट तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। शायद आग लगी है चाइना टाउन में, आग लगी थी शायद। हाँ ये देखो ना, काला काला घर हो चुका है ये पूरा, शायद इसलिए ये बंद किया होगा। ये चाइनीज जहाँ भी जाते हैं आग लगाते हैं शायद। देखो ना वो, देखो जरा। इंडिया में चाइनीज खाना हम लोग खा सकते हैं, लेकिन बाहर आके ना जो चाइनीज ऑथेंटिक रेस्टोरेंट होते हैं वहाँ पे चाइनीज खाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनका प्योरली चाइनीज ही होता है। जो हम लोग इंडियन चाइनीज बनाते हैं वैसा कुछ नहीं होता है, बहुत ही घटिया खाना होता है वो। एकदम ऑथेंटिक चाइनीज होता है। हाँ अगर आप सच में फैन है चाइनीज फूड के तो आपको शायद अच्छा लगे। हैप्पी न्यू ईयर 2022। ये क्रिसमस ट्री पूरी लाइट्स की बनाई है, इसमें वो पेड़ नहीं है क्रिसमस वाला, बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन इंडियन में रात में जाते ना डिनर के लिए। हाँ तो अभी ऐसे ही खाने चलते हैं नैंडोज में। नैंडोज का चिकन बहुत अच्छा मिलता है, अगर आप यहाँ पे आते और आपको कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो आप नैंडोज का चिकन ट्राई कर सकते हैं। तो आखिर में हम लोग आ चुके हैं पिज्ज़ा हट में। नैंडोज में बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो पिज्ज़ा हट से हम लोग ये सब लेने वाले हैं अभी। पिज्ज़ा हट की यहाँ की सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे ना अनलिमिटेड सैलड होता है एक मील के साथ। जैसे यहाँ पे सैलड अनलिमिटेड होता है वैसे यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी अनलिमिटेड होता है, आप कितना चाहे उतना पी सकते हैं। ये आपको ग्लास दे देते हैं एंड उसके बाद ऐसे बस प्रेस कीजिए, भरते रहेगा, पीते रहिए, बस हो गया अभी। और थोड़ा सा जितना चाहिए आप उतना यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं।
लिवरपूल ब्लॉग कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया था, तो हमने इसे 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। पहला ब्लॉग आप देख चुके हैं, सेकंड ब्लॉग होने वाला है लिवरपूल एफसी स्टेडियम टूर के बारे में, थर्ड ब्लॉग होने वाला है टूरिस्ट अट्रैक्शंस एंड क्रिसमस मार्केट के बारे में। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।